अभी हम सीखेंगे फॉर्मूला फॉर NPR. NPR का जो फॉर्मूला है दैट इज फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू n. मतलब द परम्यूटेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम विल बी NPR equal to factorial n divided by n minus r factorial, where r is greater than equal to 0 or less than equal to n. अब हमें इसे प्रूफ करना है कि NPR ये होगा. ये हमें प्रूफ करना है. कैसे प्रूफ करेंगे? याद कीजिए थ्योरम नंबर 1. जब हम लोग the number of permutation निकाल रहे थे from n different objects taken r at a time, n different objects में r blank box, हमारा पिछला क्लास आप रिकॉल कीजिए, theorem number 1, permutation of distinct objects, different objects. तो NPR को हम लोग define किए थे, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into and so on into n minus r plus 1. Where r is greater than 0 but less than equal to n. जहाँ पे n different objects था और उस n different objects से r जो blank boxes थे, r number of blank boxes कितनी तरीके से हम भर सकते थे वो NPR कहलाता था और उसका definition ये था. ठीक है, अब इसका help लेकर के हम इसे साबित करेंगे. तो NPR क्या हुआ यहाँ पे? NPR इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन इंटू n माइनस r प्लस 1. अब हम क्या करते हैं कि इसमें n माइनस r, n माइनस r माइनस 1, n माइनस r माइनस 2 इंटू अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको न्यूमरेटर और डिनोमेटर में मल्टीप्लाई कर, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हम क्या करते हैं, n माइनस आर, n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिए और डिनोमेटर में भी दिखा दिए इसको, n माइनस आर, n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 2 एंड सो ऑन इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अब देखिए n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस आर प्लस 1 से लेकर के n माइनस आर, ये पूरा सीक्वेंस में आ रहा है, सीरीज में आ रहा है और अप टू 1 हो गया. इसका मतलब ये क्या हो गया, पूरा पूरा टर्म क्या कहलाया, पूरा मल्टीप्लाई करके पूरा 1 से लेकर के n तक सारे नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है. क्या हो गया, ये n फैक्टोरियल. ठीक है, अब नीचे क्या हो गया, n माइनस आर, n माइनस आर माइनस 1 से लेकर के 1, मतलब ये n माइनस आर नेचुरल नंबर्स का फैक्टोरियल हुआ, 1 2 3 से लेकर के n माइनस आर तक मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब n माइनस r फैक्टोरियल. यहां पे क्या है, NPR क्या हुआ, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल. हम जस्ट इतना किए कि n माइनस r, n माइनस r माइनस 1, इसको जो पूरा मल्टीप्लिकेशन को है नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, सेम मल्टीप्लाई फैक्टर ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता भी है कि उस सॉल्यूशन को अफेक्ट नहीं करेगा, बट ये जरूरी इसलिए था ताकि हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट में ला सके. तो अब ये सिंपलीफाई होकर के क्या कहलाएगा, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल. यहाँ पे r ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू n है. कहाँ से आया है, थ्योरम नंबर 1. थ्योरम नंबर 1 में क्या था, r इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू
n. हमें प्रूफ क्या करना था, nPr इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n. हम कहां से सॉल्व कर पाए हैं, r ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू n. r इक्वल टू 0 पे सॉल्व करना बाकी है अभी, यहां तक सॉल्व हो गया, ये प्रूफ हो गया है. बस अब हमें एक प्रूफ, इसको प्रूफ करना है r इक्वल टू 0 के लिए भी साबित करना है. आइए वो देखते हैं, क्या ये फॉर्मूला r इक्वल टू 0 के लिए भी एप्लीकेबल है. जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़े हैं परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ये नंबर ऑफ डिफरेंट वेज है. मतलब नंबर ऑफ परम्यूटेशन और कुछ नहीं है बट नंबर ऑफ डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन अरेंज n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम. यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, जीरो, सेलेक्टिंग n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग जीरो एट ए टाइम, मीन्स जो नंबर है उसको एज इट इज रहने दीजिए, कोई चेंज नहीं हुआ. तो नंबर ऑफ वेज कितना है, एक सिंगल. जब मुझे एक भी बॉक्स नहीं भरना है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेकर के, तो कितने वेज है, नंबर ऑफ वेज विल बी वन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन विल बी वन, मीन्स जो n ऑब्जेक्ट्स है वो एज इट इज रहेंगे. क्लियर है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से जीरो बॉक्स फिल करना है. जीरो कितना तरीका होगा, एक, क्या होगा, वही होगा जो नंबर है उसको एज इट इज रहने दीजिए, मीन्स कोई छेड़छाड़ नहीं होगा उससे. इसका मतलब सिर्फ एक ही तरीका है कि वो एज इट इज ही रहेंगे. तो एन पी जीरो इक्वल टू वन, एन पी जीरो इक्वल टू वन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और क्लियर है, एन पी जीरो इक्वल टू वन आया, मतलब नंबर ऑफ वेज विल बी वन. इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, एन फैक्टोरियल बाई एन फैक्टोरियल दिखा सकते हैं. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस जीरो फैक्टोरियल. मतलब ये जो आर है एन बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, अगर देखा जाए तो आर इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है, आर इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है, यहां पे क्या था कि r इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू n, और जब r 0 मान लिए तो नंबर ऑफ वेज बनाया, जो हम सिंप्लीफाई करते हुए देखें कि यहां पे वापस r इक्वल टू 0 आ रहा है. इसका मतलब यहां पे 0 भी रहेगा तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है. इसका मतलब ये हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे सकते हैं. इस तरह ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है. थैंक यू.